कोविड के बुरे हालातों में छाए अंधेरे के बाद एक बार फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नया सवेरा लौट आया है और इसी के साथ शुरू हो गई है नुकसान की भरपाई। बैक टू बैक कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज करके फिर वो चाहे बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो या फिर टॉलीवुड की हो। खैर बीते कुछ टाइम पहले रिलीज हुई इन मेगा बजट हाई फाई फिल्मों ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और कई नए रिकॉर्ड कायम कर डाले। कौन सी हैं वो फिल्में जिन्होंने कोविड काल में भी अपना जलवा दिखाया, तो आइए बताते हैं। सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने का रिकॉर्ड। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को देश भर में रिलीज हुई है। फिल्म को देश के 4100 और 66 दूसरे देशों की 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। इसके साथ ही फिल्म ने सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रेटिंग के मामले में जय भीम ने किया द शोशैंक रिडेम्पशन को पीछे। 1994 की क्राइम ड्रामा फिल्म द शोशैंक रिडेम्पशन ने अब तक की हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। हालांकि एक्टर सूर्या की फिल्म जय भीम ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। द शोशैंक की रेटिंग 9.3 थी, लेकिन जय भीम ने 9.5 रेटिंग हासिल करके इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 200 करोड़ में बिके अतरंगी रेगे डिजिटल राइट्स। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष तारर फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस फिल्म को 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज किया जा रहा है, जिसके डिजिटल राइट्स को 200 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। 50% ऑक्यूपेंसी के बावजूद मास्टर ने की 42 करोड़ की ओपनिंग। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रिलीज हुई थलापति विजय की तमिल फिल्म मास्टर ने कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म को तब रिलीज किया गया था जब देश के गिने चुने राज्यों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमा घर खुले थे। आधी ऑक्यूपेंसी और कम स्क्रीन होने के बावजूद इस फिल्म ने 42 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था। अगर इस फिल्म को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज किया जाता तो ये फिल्म बाहुबली 2.0 वॉर जैसी कई फिल्मों की ओपनिंग कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। मोहनलाल की फिल्म ने रिलीज से पहले ही 100 करोड़ रुपए की कमाई। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी 2 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इंडियन फिल्म है जिसने रिलीज से पहले ही प्री बुकिंग से 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिल्म को देश भर की 4100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जिसके 16,000 शो पहले ही बुक करवा दिए गए हैं। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।